बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दे रहे होंगे। आजकल हम पढ़ रहे हैं ग्रामर का पोर्शन, ग्रामेटिकल पोर्शन 9th, 10th एंड 10th के पेपर, बोर्ड के पेपर्स में एमसीक्यूज़ में आता है। 19 मार्क्स के एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन नंबर 4 होता है ये हमारा, और सेकेंड ईयर के पेपर में एम कैट और ई कैट में आता है। बोर्ड के पेपर्स में नहीं बल्कि एम कैट और ई कैट के टेस्ट में आता है ये इंग्लिश के पोर्शन में, ये ग्रामेटिकल पोर्शन, और बहुत अहम होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को भी दबाएं ताकि आपको हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ग्रामेटिकल पोर्शन का आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की किस्में, एडजेक्टिव, व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव? द वर्ड विच मॉडिफाइज नाउन इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की सेंस को चेंज कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में पहला है हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव शो द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। कहते हैं कि काइंड उसकी काइंड किस्म और या उसकी क्वालिटी को शो करता है। जैसे कोलकाता इज़ अ लार्ज सिटी, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ये एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा ना, लेकिन उसकी क्वालिटी किस तरह है की है। द फुलिश ओल्ड क्रो, दिस ग्रामर इज़ ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये क्वालिटी और काइंड को शो करता है। फिर है एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी, यानी कि सिफ्त को शो करना, उसके मकदार को शो करना। ये पहले सिफ्त को शो कर रहा था, अब ये मकदार को शो कर रहा है। ये हमारा एडजेक्टिव जो है मकदार को शो कर रहा है, क्वांटिटी। इसमें आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट, यानी कि इसका कितनी कोई चीज़ कितनी उसकी मकदार है, किसी कोई चीज़ की मकदार कितनी है। जैसे आई एट सम राइस, ही शोड मच पेशेंस, ही हैज़ लिटल इंटेलिजेंस, वी हैव हैड इनफ काफ़ी एक्सरसाइज, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, यू हैव नो सेंस। फिर है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, यानी कि नंबरिंग, काउंटिंग नाउन। ये ऊपर वाला जो है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, एडजेक्टिव्स ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है हम काउंटिंग में काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, याद रखें इसके जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे है द नंबर शो हाउ मैनी पर्सनस आर थिंग्स आर मेंट, इन वट ऑर्डर आर पर्सन आर थिंग स्टैंड्स एज। जैसे है यहाँ पर हमारे पहले है द हैंड हैज़ फाइव फिंगर्स, फ्यू कैट्स लाइक कॉल्ड वाटर, देयर इज़ नो पिक्चर ऑन दिस बुक, बल्कि देयर आर नो पिक्चर्स ऑन दिस बुक। फिर है देयर आर नो पिक्चर्स ऑन दिस बुक, फिर आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स, ऑल मैन मस्ट डाई, मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट। फिर है डेफिनेट नंबर, नंबर एडजेक्टिव्स हैं, डेफिनेट नंबर्स जो शो करते हैं, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स जो है। फिर है इनडेफिनेट नंबर्स,
विच डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर ऑल नो मैनी फ्यू सम एनी सर्टन सेवरल सनड्राई ये सब. फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल एडजेक्टिव्स विच रेफर टू ईच वन ऑफ द नंबर सच एज ईच बॉय मस्ट टेक टर्न पाकिस्तान एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स आइदर पेन विल डू नाइदर accusation is true. Demonstrative adjectives point out which person or thing is meant. This demonstrative pronoun जो हमने पढ़े थे ये वही हैं demonstrative adjectives. This boy is stronger than Ali. That boy is industrious mehnti. These mangoes are sour turish. Those rascals must be punished. Do not be in such a hurry. I hate such things. तो ये हमारे थे demonstrative adjectives. इसके बाद है interrogative adjectives. ये वही हैं interrogative pronouns वाले. What, which, whose, whom, how ये वाले अल्फाज हैं. What, which and whose, when they are used with the nouns to ask questions are called interrogative adjective. What number of a man is he? What manner of a man is he? Which way shall we go? Whose book is this? फिर है emphasizing जोर देते हुए जो है ना जोर देने वाले adjectives. एम्फसाइज होता है जोर देना. इसमें है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द वर्ड्स ऑन एंड वेरी आर यूज्ड एज एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स. जैसे आई सा इट विद माय ओन आईज. माय ओन यानी कि मैंने अपनी आंखों से इसे उसे देखा. ही वाज बीटन एट हिज ओन गेम. माइंड योर ओन बिजनेस. ही इज हिज ओन मास्टर. That is the very thing we want. अच्छा फिर exclamatory adjectives हैं. The word what is something is used and exclamatory. जैसे है what a genius he is, this is, what folly, what an idea, what a blessing. और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स साफ उसका बता रहे हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ हुआ होगा. फिर है एडजेक्टिव्स कंपैरिजन. एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन ये एडजेक्टिव डिग्रीज कहलाती हैं. डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कहलाते हैं कंपैरिजन. डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हमारे ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कहलाते हैं. कहते हैं स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट are called the three degrees of adjectives. ये comparison of adjectives कह सकते हैं. degrees of adjectives भी कह सकते हैं. adjectives sweet is a positive degree, sweeter is a comparative degree or sweetest is the superlative degree. sweetest is the superlative degree. अच्छा comparative आगे कहते हैं positive degree of an adjective is the adjective in its simple form. It is used to denote the mere existence of some quality of what we speak about. Positive degree जो है ना वो हमेशा जो है it is used when no comparison is made. यानी कि ये उस वक्त यूज़ होती है जब कोई comparison नहीं हो रहा होता. फिर है comparative degree. हाँ A comparative degree is used to compare between two things or persons or places. दो चीज़ों के दरमियान दो अशखास के दरमियान दो जगहों के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए
हम कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर दैन दैट बॉय, और विच ऑफ दीज टू पेन्स इज द बेटर। कहते हैं दो के दरमियान कंपेरिजन करने के लिए जो लफ्ज़ यूज़ होता है वो कंपेरेटिव डिग्री कहलाती है। फिर है सुपरलेटिव डिग्री, दो से ज़्यादा के दरमियान कंपेरिजन करने के लिए हमारे वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कहलाती हैं। दो से दरमियान, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी एंड इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर प्लेसेस आर कंपेयर्ड। यानी कि दो से ज़्यादा के दरमियान कंपेरिजन करने के लिए जो डिग्री यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। द बॉय इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द, दिस बॉय इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास, पूरी क्लास के साथ इस लड़के का कंपेरिजन कर दिया। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। इस तरह जो है हमारा जो है दो से ज़्यादा के दरमियान कंपेरिजन करने के लिए जो डिग्री इस्तेमाल होती है दैट इज़ कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। ये थे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जो क्वेश्चन समझ ना आया हो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जो चीज़ की समझ ना आई हो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।